टैरोट कार्ड की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके पास आज लास्ट वीक ऑफ द ईयर 2021 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक का फोरकास्ट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आपके नाम की राशि के अनुसार मैं बताती हूँ। बाय चांस यदि आपको अपने नाम की राशि नहीं पता है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, उसमें मैं मेष से लेकर मीन राशि तक बता रही हूँ और 1 जनवरी 2022 उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको डालने वाली हूँ। सब आपको ये बताते हैं दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना उठानी पड़े। ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट द फोरकास्ट थ्रू टैरो कार्ड्स। और फ्रेंड्स, इस बार मैं टैरो कार्ड्स में आपके लिए लेकर आई हूँ कप्स। कप्स आपको इमोशंस के बारे में बताते हैं, कप्स आपको रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, ये माइनर एरकेना ऑफ द टैरो कार्ड है। सो लेट अस स्टार्ट विथ मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए निकलता है 10 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, 10 ऑफ कप्स इज अ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड। ये बहुत ऑस्पिशियस कार्ड है। ये कार्ड आपके रिलेशनशिप्स में, आपके रीयूनियंस में और आपके कुछ कंप्लीशन वर्क में बहुत ही ज़्यादा हारमोनी शो कर रहा है। ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी आप सबसे आगे रहेंगे। एंड द 10 प्रिडिक्ट्स बॉन्डिंग एंड हैप्पीनेस टुगेदर। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस। वृष राशि के लिए निकला है 9 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, दिस कार्ड इज नोन एज अ ड्रीम दैट कम्स ट्रू। आपकी जो भी विशेज हैं वो पूरी करने में ये कार्ड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आप सोशलाइज हो जाएंगे एंड यू विल एंजॉय एक्सप्रेसिंग योर क्रिएटिविटी। आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको एक्सप्रेस करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा ईजी महसूस करेंगे। दिस कार्ड ऑल्सो रिवील्स गुड हेल्थ। आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी, आपको सिक्योरिटी भी मिलने लगेगी, बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली। एंड फ्रेंड्स, मिथुन राशि के लिए निकलता है 7 ऑफ कप्स। ओ वेरी गुड, गुड कार्ड। यू आर गोइंग टू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे मौके आएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आप उनका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। आपके पास में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यू कैन डू व्हाट यू वांट। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके पास में इतना पोटेंशियल है, टैलेंट है। यू कैन शाइन इन द स्काई। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने इंट्यूशंस को सुनिए। किसी काम को करने के लिए आपका इंट्यूशन रोक देता है तो उस काम को मत करिए। कर्क राशि के लिए जो कार्ड निकला है दैट इज एस ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, दिस कार्ड इज रिलेटेड विद ऑल योर इमोशंस। दिस कार्ड इज रिलेटेड विद लव एंड इट इज एसोसिएटेड विद वाटर। आपकी जितनी भी विशेज हैं वो फुलफिल होने के पूरे चांसेस हैं। यू मे फॉल इन लव ऑल्सो। आपको एक स्पिरिचुअल कॉलिंग भी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप वुमेन हैं और मैरिड हैं तो आप यू कैन बिहोल्ड प्रेगनेंसी और यू कैन बिकम अ मदर। सो एस सिंबलाइजेज अल्टीमेट फेमिनिटी। सिंह राशि के लिए निकलता है 9 ऑफ कप्स। ओ माय, इट इज द ड्रीम कार्ड। योर ड्रीम्स कम ट्रू। ये वो कार्ड है जो आपके सपनों को पूरा करने वाला है। आपकी फ्रेंडशिप हो, आपकी जो भी इच्छाएं हो, वेदर इफ इकोनॉमिक विशेज, वेदर इफ सोशल विशेज, आपकी जो भी विशेज हैं वो पूरी होने के पूरे चांसेस हैं। एंड यू मे ऑल्सो गेट अ गुड न्यूज़। आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। दिस कार्ड ऑल्सो रिवील्स हेल्थ एंड सिक्योरिटी। ये कार्ड आपको बताती है कि हेल्थ वाइज आप ठीक रहेंगे एंड यू विल हैव सिक्योरिटी ऑफ ऑल टाइप्स। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मॉनेटरी सिक्योरिटी, फिजिकल, इमोशनल, ऑल सिक्योरिटीज़ यू आर गोइंग टू हैव। एंड यू नो, कन्या राशि वालों के लिए जो कार्ड निकला है दैट इज 8 ऑफ कप्स। 8
ऑफ कप्स फ्रेंड्स, इट इज गोइंग टू चेंज योर हार्ट। आप किसी रिलेशनशिप में थे या आपकी काफ़ी समय से एक अफेयर चल रहा था और वो अफेयर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, तो फ्रेंड्स यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। आपका या आपके स्पाउस, आपके फ्रेंड्स, फ्रेंड का हार्ट आपके लिए चेंज हो जाएगा, उसका मन आपके लिए बदल जाएगा। मींस वो जो आपकी तरफ नेगेटिवली देख रहे थे, वो आपके तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड गेट सक्सेस इन योर अफेयर। क्वींस, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन इज अ मदरली फिगर। इट इज अ पेरेंटिंग टाइप ऑफ फिगर एंड इट इज गोइंग टू गिव प्रोटेक्शन। मीन्स आपकी राशि के अनुसार आप सेंसिटिव हैं, इंसाइटफुल हैं और सिचुएशन को देख कर आप अपने आप को चेंज करेंगे और आप जहाँ तक हो सके दूसरों का बहुत, इस वीक में आप बहुत ज़्यादा सबका ख्याल रखने वाले हैं। सो टेक नोट ऑफ योर ड्रीम्स बिकॉज दे ब्रिंग मैसेज अबाउट योर डीपेस्ट नीड्स। आपके और अपने ड्रीम्स को पीछे मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपके ड्रीम्स ही हैं जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड निकला है, दैट इज सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। इट इज गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन इन योर लाइफ। बट फिर भी आपके सामने कंफ्यूजन कैसा होगा? कोई बैड सेंस में कंफ्यूजन नहीं होगा। आपके सामने बहुत सारे इनवाइट्स होंगे, दैट ज्वाइन दिस ज्वाइन दैट। आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। तो ये इस तरीके का कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में रहेगा। डोंट गेट टेंस्ड माय फ्रेंड्स, वैसे वाला कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ योर पोटेंशियल एंड टैलेंट एंड लेट योर इंट्यूशन अलोन गाइड यू। आपके सामने जो भी ऑप्शंस आते हैं उसमें आपका इंट्यूशन आपको जिस बात के लिए हाँ करता है उसी बात को फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। विश यू ऑल द बेस्ट। ओ माय माय, धनु राशि, आपके लिए निकलता है किंग, किंग ऑफ कप्स। यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। आप प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे सो करेंगे ही, उसके साथ ही फ्रेंड्स आप पीस मेकर भी हैं। आप लोगों के बीच में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो यू आर गोइंग टू क्रिएट पीस अमंग देम। उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उनके लड़ाई झगड़े को दूर करेंगे एंड आप एक काम और भी करेंगे, दैट जो भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है उस सिचुएशन से भागने की बजाय उस सिचुएशन को फेस कर कर और उसको सॉल्व करेंगे। सो यू मे बी हैप्पियर अलाउइंग योर हार्ट टू रूल योर हेड। आप दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेंगे, तभी तो आप दूसरों की सहायता करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। मकर राशि वालों के लिए निकला है पेज ऑफ कप्स। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। पता है फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग कार्ड क्यों है? बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव गाइडेंस टू अदर्स। आप अपने दूसरे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, बच्चों को गाइड करेंगे। यू नो, जो आपको गाइड देता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप प्रैक्टिकली इन अ रोमांस और इंडिकेट दैट यू विल नीड टू गिव अदर्स गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो आप इस बार आपका यही रहेगा, जो आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप गाइडलाइंस देने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। कुंभ राशि वालों के लिए आया है फाइव ऑफ कप्स। फ्रेंड्स आपके जो भी रिलेशनशिप चल रहा था, जो भी रोमांस चल रहा था, वो आप उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो क्लोजनेस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। द लॉस ऑफ इंटीमेसी मे बी डिस्ट्रेसिंग एंड इट मे बी टेम्पटिंग टू विश यू हैड बोथ बिहेव डिफरेंटली। कुछ समय बाद दोनों, आप ही नहीं, आपकी जिससे भी फ्रेंडशिप है, जिससे भी रोमांस चल रहा है, वो भी इस बात को रियलाइज़ करेंगी कि काश हमने थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव किया होता। सो फ्रेंड्स डिसअपॉइंटमेंट
को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कोशिश कीजिए अपने बिहेवियर को चेंज कीजिए, जिससे कि जो रिलेशनशिप आपका एंड पे जा रहा है उसको दिसंबर में एंड होने से बचा लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, दिसंबर में जो फ्रेंडशिप्स एंड होते हैं वो दोबारा से नहीं बनते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। और हमारी आखिरी राशि पाइसेस, मीन, मीन राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो नाइट ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा कार्ड मिला है। यू आर गोइंग टू हैव न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स, और आप पहले से ज़्यादा आप सोशलाइज भी होने लगेंगे। और आपको जो आप जो भी काम कर रहे हैं उन कामों में यू विल हैव अ हॉलीडे फीलिंग, मतलब कि आप टेंशन फ्री होकर काम करेंगे। इफ़ यू फॉल फॉर योर फ्रेंड, तो रोमांटिकली ही मे और शी मे ऑफर अफेक्शन। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने उसको जो भी आपका फ्रेंड बन रहा है उसको अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाइए। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो फॉर 1st January। वॉट शुड यू नॉट डू, वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय।